नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजीत वाच्चानी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, जो मैं इकबाल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट अजीत वाच्चानी एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे। इन्होंने चरित्र अभिनेता के रूप में कई हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिसमें मिस्टर इंडिया जो कि 1987 में आई थी, इसमें वो तेजा के रूप में थे। मैंने प्यार किया 1989 में आई, कभी हाँ कभी ना 1993 में आई, हम आपके है कौन 1994 में आई, और आई हम साथ साथ है जो कि 1999 में आई। इनकी दो फिल्में बहुत ही मशहूर रही, हम आपके है कौन जो कि 1994 में आई और हम साथ साथ है जो कि 1999 में आई। ये इनकी सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अजीत वाच्चानी ने 50 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, एक मराठी सिनेमा एकापेक्षा एक के अलावा इन्होंने 3 सिंधी फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्होंने टीवी धारावाहिक हसरतें, दाने अनार के और एक महल हो सपनों का सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय करके लोगों का बेहद मनोरंजन किया। अजीत वाच्चानी का जन्म 10 अगस्त 1951 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ। अजीत वाच्चानी की शिक्षा मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। अजीत ने अपने टीवी करियर की शुरुआत राकेश चौधरी द्वारा निर्मित संवाद वीडियो के बनते बिगड़ते 1985 से शुरुआत की और जल्द ही वो टेलीविजन पर एक लोकप्रिय चेहरा बन गए। जल्द ही वो हिंदी फिल्मों में दिखाई देने लगे। अजीत वाच्चानी ने 50 से अधिक हिंदी फिल्मों में, 3 सिंधी फिल्मों में और गुजराती और मराठी नाटकों में नियमित रूप से नाटक किया करते थे। उनके बहुत सारे नाटक सुपरहिट रहे। उन्होंने सूरज बढ़ जातिया की मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में काम किया। उनकी अन्य फिल्मों में मिस्टर इंडिया, आंखें, हर दिल जो प्यार करेगा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और कभी हाँ कभी ना शामिल है। अजीत वाच्चानी का आखिरी धारावाहिक एक महल हो सपनों का, जो कि गुजराती, हिंदी और मराठी में 1000 एपिसोड तक चला। उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया। अजीत वाच्चानी की पत्नी का नाम चारू शीला साबले और इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक एक्टर है। लंबी बीमारी के बाद 25 अगस्त 2003 को 52 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अजीत वाच्चानी ने 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, तो इनकी सारी फिल्मों के नाम तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के नाम अवश्य बताऊंगा। झूठी जो कि 1985 में आई, खामोश 1985 में आई, मिस्टर इंडिया 1987 में आई, ये वो मंजिल तो नहीं 1987 में आई, कयामत से कयामत तक 1988 में आई, कमांडो 1988 में आई, मैं आजाद हूँ 1989 में आई, त्रिदेव 1989 में आई, ऐलाने जंग 1989 में आई, मैंने प्यार किया 1989 में आई, एकापेक्षा एक 1989 में आई, ये एक मराठी फिल्म थी। कॉलेज गर्ल 1990 में आई, 100 डेज 1991 में आई, आग लगा दो सावन को 1991 में आई, खूनी पंजा 1991 में आई, गृह प्रवेश 1992 में आई, मराठी फिल्म थी। जान तेरे नाम 1992 में आई, जो जीता वही सिकंदर 1992 में आई, दीदार 1992 में आई, सूर्यवंशी 1992 में आई, राजू बन गया जेंटलमैन 1992 में आई, बम स्पोर्ट 1993 में आई, कभी हाँ कभी ना 1993 में आई, लुटेरे 1993 में आई, रूप की रानी चोरों का राजा 1993 में आई, दिल की बाजी 1993 में आई, छोटी बहू 1994 में आई, दिलवाले 1994 में आई,
बेटा हो तो ऐसा 1994 में आई, हम आपके हैं कौन 1994 में आई, पुलिस वाला गुंडा 1995 में आई, अहंकार 1995 में आई, ऐसे भी क्या जल्दी है 1996 में आई, यश 1996 में आई, नसीब 1997 में आई, तेरी मोहब्बत के नाम 1999 में आई, सिर्फ तुम 1999 में आई, हम साथ साथ हैं 1999 में आई, हर दिल जो प्यार करेगा 2000 में आई, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता 2001 में आई, जोड़ी नंबर 1 2001 में आई, आंखें 2002 में आई। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे टेलीविजन शो में काम किया, इनके कुछ प्रसिद्ध टेलीविजन शो के नाम मैं आपको बता देता हूं। 1987 में आई चुनौती, 1987 में आई मुजरिम हाजिर हो, मिट्टी के रंग, 1988 में आई भारत एक खोज, 1984 में आया दाने अनार के, 1994 में आया जुनून, 1996 में आया हम हिंदुस्तानी, 1990 में आया हसरतें, 1997 में आया जंजीरनी, 1999 में आया गुदगुदी, 1999 में आया एक महल हो सपनों का, 2000 में आया बाबुल की दुआएं लेती जा, 2003 में आया घर संसार। दोस्तों अजीत वाचानी के संक्षिप्त में जीवन परिचय। अजीत वाचानी का जन्म 10 अगस्त 1951 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ। वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिन्होंने इंसानियत के देवता 1993, कायदा कानून 1993, मिस्टर इंडिया 1997 के लिए जाना जाता है। उनकी पहली शादी चारू लता से हुई। 25 अगस्त 2003 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में अजीत वाचानी का निधन हो गया। इनकी पत्नी का नाम चारुशीला, इनकी बेटी का नाम है योहाना वाचानी जो कि एक अभिनेत्री हैं, इनकी पत्नी भी एक अभिनेत्री हैं, पत्नी का नाम है चारुशीला साबले। इनके ससुर मराठी गायक अभिनेता शाहिर कृष्ण राव साबले थे, जीजाजी संगीतकार देवदत्त साबले हैं। दोस्तों वैसे तो अजीत वाचानी ने बहुत सारे रोल किए, बहुत मशहूर चरित्र अभिनेता थे, लेकिन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आया राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया जो कि 1979 में आई थी। इसके बाद उन्हें विलेन का काम मिलने लगा और ज्यादातर फिल्मों में इसके बाद वो विलेन के रोल में नजर आए। दोस्तों 2003 में इनकी आखिरी फिल्म आई राजा भैया जिसमें हीरो थे गोविंदा, ये अजीत वाचानी की आखिरी फिल्म थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।